से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। दिव्यांगों की भर्ती मामले में शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मामले में कमेटी को जांच के आदेश दे दिए हैं। कमेटी मामले के सारे तथ्यों को देखेगी, गलत हुआ तो कार्रवाई होगी, कोटा ना होने पर भर्ती हुई तो शिक्षकों की नियुक्ति गलत मानी जाएगी। आगे कहा कि नियुक्त हुए शिक्षकों के दिव्यांगों के प्रमाण पत्र की भी जांच होगी। दिव्यांगों की शिक्षक भर्ती में 755 पदों में से 450 सिर्फ मुरैना में हुए थे चयनित। इस वक्त भर्ती का दौर चल रहा है, इन सबके बीच शिक्षा की भी भर्ती हो रही है और शिक्षा में भर्ती की गई थी दिव्यांग जनों की भी। 1000 के करीब ये पद निकाले गए थे और 750 के आसपास इस पदों पर भर्ती की गई थी, लेकिन मुरैना में ही करीब 450 पद अलॉट कर दिए गए, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कई तरीके के कि एक ही जिले को सब कुछ दे दिया गया, 450 के करीब पद सिर्फ दिव्यांगजनों की जो भर्ती हुई है उसके अंदर चयन कर दिए गए, सिर्फ मुरैना जिले की बात की जाए। देखिए, दिव्यांग कोटा का आरक्षण है और हर कैटेगरी में उसका आरक्षण है, हर वर्ग के उसमें आरक्षण है। हमने जितनी नियुक्तियां की है उन सब में परसेंटेज को देखकर की है। उसके बाद भी यदि कहीं की ऐसी कंप्लेन किसी को व्यक्तिगत भी है और वो तो हमने कमेटी बना रखी है, उसका हम निराकरण करने का काम करते हैं। दूसरे भी इश्यूज आएंगे सर, उन सबको हमारी कमेटी उस पर काम कर रही है और उसमें यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको सुधारने का काम भी करें। इसमें भी हमने वही किया है कि भाई एक बार पूरे सारे दस्तावेज खंगाले जाए, यहाँ तक कि हमने तो ये भी कहा है कि जो उन्होंने प्रमाण पत्र बनाए हैं दिव्यांग जनों के, वो प्रमाण पत्र को भी जांच कराई जाए कि वास्तव में क्या वो प्रमाण पत्र धारी दिव्यांग है क्या। यदि वो फर्जी पाया गया प्रमाण पत्र भी, तो क्योंकि उसमें हमारे विभाग की जवाबदारी, संबंधित विभाग के लिए हम कार्रवाई के लिए लिखेंगे। लेकिन सवाल तो इंदर सिंह परमार पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि जांच के निर्देश दिए गए, अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विजय के साथ शबराय अहमद, न्यूज 24 भोपाल।